Just let it be, यार. यही तो बात है. जो बात महसूस करने वाली है वो तुझे कोई समझा भी नहीं सकता. तू खुद फील कर रहा है कि प्रज्ञा को छोड़कर तू गलत कर रहा है, तो फिर क्यों कर रहा है ये शादी? देखा भी, मुझसे अच्छी तरह तुझे और कोई नहीं जानता. और मैं जानता हूं कि जब तू किसी से प्यार करता है तो दिलों जान से करता है, फिर चाहे वो तेरा म्यूजिक हो या कोई इंसान. फिर लाइफ में पहली बार अपने प्यार के आगे तो किसी और को इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा है? और प्रज्ञा के साथ तेरा रिश्ता प्यार से भी बढ़ के एक ऐसा रिश्ता जो दो इंसानों के बीच पूरा. प्रज्ञा के साथ मेरा सिर्फ प्यार का रिश्ता नहीं, भरोसे का भी रिश्ता है. मैंने सिर्फ उसका दिल ही नहीं बल्कि भरोसा भी तोड़ा है पूरा. मैं जानता हूं मुझे उससे अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, बल्कि मैं जो करने जा रहा हूं ना उसमें कुछ गलत नहीं है पूरा. पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर. ये क्या हो रहा है मेरे साथ? एक रॉकस्टार हूं, अपनों के बीच में हूं, फिर भी इतना अकेला फील कर रहा हूं. ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे कि ना मेरा दोस्त मेरे साथ है ना मेरा प्यार? किस बात की सजा मिल रही है मुझे, प्यार करने की या प्यार का साथ ना देने की? इतना तो बता दो कि तुम्हें कब लगा था कि तुम अब मेरे बिना नहीं जी सकते? जब मैं आपको समझने लगी तो बहुत अच्छी लगने लगी, और फिर ना चाहते हुए भी होते होते प्यार हो गया. मैं पानी पीने चली गई थी किचन में. तो जानती हूँ, पता है हमें. दादी अब तो प्रज्ञा दी भी आ गई, अब तो बताइए ना क्या प्लान है जिससे हम इस शादी को रोक सकते हैं? मेरा प्लान रेडी है, मैं बस तुम सबके आने का इंतजार कर रही थी. तुम सबको पता है ना, आज तक हमने जितने भी प्लानिंग की है सब की सब फ्लॉप गई. पर ये जो प्लानिंग होगी इसके आगे तनु ना तनु की माँ कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा, और शादी वहीं रुक जाएगी. दीदी दीदी आप सस्पेंस पे सस्पेंस बढ़ाए जा रहे हो, आखिर बताओ तो सही आपका प्लान क्या है? हट पीछे. ये है वो प्लान, अभी और प्रज्ञा की शादी का एल्बम. इसे लेकर मैं अभी के सामने जाऊंगी और उसको सब सच बता दूंगी कि 2.5 साल पहले उसके साथ क्या क्या हुआ है. मतलब आप अभी को जाके बता दोगे कि प्रज्ञा दी के साथ उसका क्या रिश्ता है? हाँ,
सबूत के साथ दिखाऊंगी और उसको सारा सच बताऊंगी। बता दूंगी मैं उसे कि कैसे मैंने प्रज्ञा की शादी उससे करवाई थी और कैसे आलिया और तनु ने इन दोनों को अलग करने की कोशिश की। और यह भी बता दूंगी कि आलिया और तनु ने ही उसका एक्सीडेंट करवाया था जिसे उसकी याद आ चलेगी। और 2.5 साल पहले क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं है। अभी और प्रज्ञा को मिलाने का बस एक ही रास्ता यही बचा है। अब की बार अगर तनु और आलिया जीत गई तो फिर प्रज्ञा तो उनके साथ लड़ने की भी लायक नहीं रहेगी। लेकिन दादी ये लेकिन कुछ नहीं, तुम लोग मेरे साथ चल रहे हो कि नहीं? नहीं तो मैं अकेले ही जाती हूँ। दीदी रुकिए। दादी दादी एक बार हम पहले इस बारे में बात कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो जल्दबाजी में लिया हो कोई फैसला हम पे ही भारी पड़ जाए। दीदी ये सब में ना बहुत रिस्क है, हमें जो भी फैसला करना है वो सोच समझ कर करना है। सोचने समझने का वक्त नहीं है। अभी 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 कहाँ है तू? दादी बाथरूम में। अभी क्या अभी बाहर आ, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। अभी? हाँ अभी आया। दादी इन्हें अभी भी आवाज दे रही, मतलब ये कमरे में नहीं। दादी इनसे कुछ कहे उससे पहले मुझे दादी को रोकना होगा। अरे तू बाहर आता कि मैं अंदर आऊं। दादी 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 प्लीज प्लीज क्या कर रही हैं आप? वही जो मुझे करना चाहिए। दादी एक बार मेरी बात सुन लीजिए ना प्लीज। मुझे अब उसी से बात करनी है। आपको उनसे बात करनी है ना, आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद उनसे जो बात करनी है कर लीजिएगा, मैं रोकूंगी नहीं। प्लीज दादी प्लीज 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 एक बार मेरी तरफ देखिए। प्लीज प्लीज दादी प्लीज चलिए। हाँ दादी प्लीज। हाँ बोल, क्यों लेके आई मुझे बार? दादी आप ये क्या करने जा रहे थे? कितनी बार बोलूंगी, जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ। क्या पूछना है जल्दी पूछ। दादी देखिए आप मुझे यहाँ लेकर आई ताकि मैं आपकी मदद कर सकूँ, लेकिन लेकिन ये करने में मैं आपका साथ नहीं दे सकती। दादी दादी आप एक बार सोच कर देखिए, अगर हमारे रिश्ते की सच्चाई और तनु की असलियत इन्हें बतानी ही होती तो मैं कब का बता सकती थी दादी। लेकिन डॉक्टर ने जो हमसे कहा है हम नहीं भूल सकते ना दादी। हमारी कोई भी खुशी इनकी जान से बढ़कर तो नहीं है ना दादी। वो जो कुछ भी कर रहे हैं ना वो उनकी नजर में सही है इसलिए कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ जानते हुए आप जो कर रही है वो किसी की नजर में सही नहीं है दादी। क्या सही कर रहा है वो? अपने साथ साथ तेरी भी जिंदगी बर्बाद कर रहा है और मैं ये होने नहीं दूंगी। मुझे जाने दे। आपको मेरी कसम। मुझे माफ कर दीजिए दादी, लेकिन मैं नहीं करना चाहती ऐसा, पर कोई आप अपनी प्रज्ञा के लिए इतना नहीं कर सकती क्या? जिन हाथों से आपने हम दोनों का रिश्ता जोड़ा था उन्हीं हाथों से सिर्फ ये आशीर्वाद दीजिए कि मेरा सुहाग सही सलामत रहे। और अगर अभी आपने मेरी बात नहीं मानी तो भगवान न करे शायद मेरी जिंदगी को ही कुछ हो। एक काम करो, काफी टाइम हो गया तुम लोग बहुत काम कर रहे हो ना, थक भी गई होगी, ब्रेक ले लो छोटा सा और वहां पे नाश्ता पड़ा है तुम दोनों जाके नाश्ता कर लो। अब प्रज्ञा आ गई है ना वो सब संभाल लेगी। आ गया, आ जाओ प्रज्ञा। मैंने पूरा मेकअप तो कर लिया है, बस ज्वेलरी पहनना बाकी है। और ये दुपट्टा ये प्रॉपर नहीं किया हुआ है, इसे प्रॉपर कर देते। क्या है कि जब मैं तैयार होकर नीचे जाऊंगी तो पूरी मीडिया इतने सारे लोग सब हमें देखेंगे, स्टार कपल स्टार वाइफ। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।